हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे नमक पारा। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, अब इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अब इसमें 1/3 कप तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से मिला देंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अब आटा रेडी है। इसे 20 मिनट के लिए ढककर इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 20 मिनट हो चुका है, अब इसके ढक्कन को हम हटा लेंगे और इसे एक बार फिर से मिला लेंगे। देखिए, इसे मैंने मिला लिया है। अब इसका हम लोई बना लेंगे। इसे हथेली की सहायता से हमें इस तरह से बना लेंगे। अब मैंने लोई तैयार कर लिया है, तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। अब इसे हम बेल लेंगे। इसे हम पतला बेलेंगे। देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चाकू की मदद से इस तरह से हम निकाल लेंगे। बाकी के सारे को बेल के इसी तरह कट कर लेंगे। तो अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए, तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए डाल दिया था। तेल अब गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके नहीं डालना है, एक ही साथ में डाल देंगे इस तरह से। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जले ना। इसे गोल्डन ब्राउन होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब 5 मिनट हो चुका है, अब ये क्रिस्पी भी हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के सारे को फ्राई कर लेंगे। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब नमकीन पारा बनके रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।